इसलिए अगर यहाँ महिला कैंडिडेट आई है आधी आबादी के, तो हम तो चाहेंगे कि उन्हें सब मिलकर एक बार वोट देकर और मजबूती से बिहार सरकार और केंद्र सरकार का हाथ को मजबूत करें। इधर अगर रेल वगैरह आ जाए तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए अगर केंद्र में है और रेल आ जाए तो इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। 30 बार उन्हीं को वोट दिया जाए और देखा जाए। मांझी समाज से तो रोशन मांझी भी खड़े हैं, एक तरफ जन स्वराज पार्टी से जितेंद्र पासवान खड़े हैं, तो नहीं लगता है कि मांझी समाज चाहे महादलितों को वोटों में अंतराल होगा? अंतराल कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत का अंतराल रहेगा, 75% और 25% का अंतर। सब कड़ाही छाप में ही वोट देंगे और इनका बैकग्राउंड मजबूत है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और उसमें ये मंत्री हैं, तो क्षेत्र के लिए विकास करेंगे ही। उनको फिर से मौका देना चाहिए। लगता नहीं है कि जितना मांझी के कामों पर उनको वोट मिल रहा है? उनके काम ही पे तो वोट मिल रहा है सर, बिना काम का कौन देगा? एक बार जनता धोखा खाएगी, दो बार खाएगी, लेकिन लगातार जो बढ़िया काम करे इसके वजह से उनको वोट दिया जाना चाहिए इस बार भी। गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में 13 नवम्बर को उपचुनाव होना है और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि 13 नवंबर को ये किस मुद्दा को लेकर के अपने क्षेत्र में मतदान करेंगे। 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, क्या मुद्दा रहेगा इस वक्त? मुद्दा तो सिर्फ विकास है, विकास ही मुद्दा है। और हमारे जब से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ विधानसभा बना है, तब से अभी तक जो आधी आबादी है उसका कोई प्रतिनिधित्व विधायक के रूप में नहीं किया गया है। तो अभी मौका मिला है तो हम समझते हैं कि जो आधी आबादी वाले को भी एक बार मौका देना चाहिए, और साल भर का ही समय है, इसलिए आधी आबादी खुश रहती है, महिला लोग खुश रहती है, और महिले जो है जो न्यू है, हर आदमी का घर में महिला की आबादी है और महिला ही शिक्षित होगी। नीतीश कुमार जी को जो आज देन था कि साइकिल बच्चियां को दी, आज सभी बच्चियां बहुत आगे है, हर क्षेत्र में महिला काम कर रही है, जैसे स्वयं सहायता हुआ, चाहे आंगनबाड़ी हुआ, चाहे नर्सिंग में देखिए, बिहार पुलिस में देखिए, इसलिए और मुखिया में देखिए 35% आरक्षण। इसलिए अगर यहाँ महिला कैंडिडेट आई है आधी आबादी के, तो हम तो चाहेंगे कि उन्हें सब मिलकर एक बार वोट देकर और मजबूती से बिहार सरकार और केंद्र सरकार का हाथ को मजबूत करें। मैं बता रहे थे कि विकास ही मुद्दा रहेगा और महिला कैंडिडेट पहली बार इस क्षेत्र से आई है, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बार मौका देना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, बात करते हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? नहीं, विकास ही मुद्दा है। इधर अगर रेल वगैरह आ जाए तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए अगर केंद्र में है और रेल आ जाए तो इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। रेल के लिए 426 करोड़ पास करवा दिए हैं और पहले से भी तो मांझी जी यहाँ विधायक रहे हैं, टिकट दिए हैं इस बार। हाँ, तो बोल तो रहे थे कि पुल वगैरह 2-4 वो इस इलाके में पास हुआ है, अब फिर काम अभी चालू नहीं हुआ है, हुआ है। उपचुनाव होना है, क्या सोच के मतदान कीजिएगा? हम लोग तो विकास पर मतदान करेंगे, विकास रहे, अमन शांति चैन रहे। बता रहे थे कि विकास का मुद्दा को लेकर ही ये लोग वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपके क्षेत्र से RJD भी मांझी परिवार के, मांझी समाज के लोगों को टिकट दिया है, एक तरफ जीतनराम मांझी की बहू है, क्या कहें? सबसे पहली बात तो ये हम बोलेंगे कि जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बेटा संतोष सुमन राज्य सरकार में मंत्री हैं, उनकी बहू को टिकट मिला है, तो ये क्षेत्र के विकास के लिए बहुत उचित कैंडिडेट हैं। कि अगले बोले हैं कल नॉमिनेशन में कि अगले 8 महीना चाहे 10 महीना में अगर काम करके नहीं दिखाऊंगी तो मैं आपके पीछे अगला चुनाव में वोट मांगने नहीं आऊंगी। तो हम लोग पूरे जनता को और मेरा विचार है कि इस बार उन्हीं को वोट दिया जाए और देखा जाए
मांझी समाज से तो रोशन मांझी भी खड़े हैं, एक तरफ जन स्वराज पार्टी से जितेंद्र पासवान खड़े हैं, तो नहीं लगता है कि मांझी समाज चाहे महादलितों को वोटों में अंतराल होगा? अंतराल कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत का अंतराल रहेगा, 75% और 25% का अंतर, सब कड़ाही छाप में ही वोट देंगे। और इनका बैकग्राउंड मजबूत है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और उसमें ये मंत्री हैं, तो क्षेत्र के लिए विकास करेंगे ही, हम सबों का यही उम्मीद है। बता रहे थे कि जीतनराम मांझी की बहू जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं उपचुनाव, तो उनकी बहू अगर जीत के इस क्षेत्र में आती हैं तो क्षेत्र का विकास करने का उन्होंने वादा किया है, जो इस बार एक बार उनको मौका देना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवक भी मौजूद, क्या लगता है इस बार किनका चांस रहेगा? इस बार क्या, तो क्या दीपा मांझी का चांस, क्योंकि वो इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किए हैं और उनको फिर से मौका देना चाहिए। लगता नहीं है कि जीतनराम मांझी के कामों पर उनको वोट मिल रहा है? उनके काम ही पे तो वोट मिल रहा है सर, बिना काम का कौन देगा? एक बार जनता धोखा खाएगी, दो बार खाएगी, लेकिन लगातार जो बढ़िया काम करे इसके वजह से उनको वोट दिया जाना चाहिए इस बार भी। और हम लोग तो पूरा सहमत है, युवा लोग के जितने भी सदस्य सब सहमत हैं उनके। बता रहे थे कि जीतनराम मांझी ने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिसको लेकर के उनकी बहू को भी एक बार मौका देना चाहिए और उनको मौका देकर ही देखना चाहिए कि वो क्षेत्र के लिए कितना काम कर पाती है। एक तरफ मांझी समाज से आरजेडी से रोशन मांझी है, जितेंद्र पासवान है, दीपा मांझी है, क्या लगता है मांझी समाज का बंटवारा होगा कि नहीं? एकदम नहीं होगा। मांझी भी पढ़े लिखे बच्चे लोग पढ़ा रहे हैं, मांझी में भी मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सब जैसी जैसी शिक्षा होगा विकास चाहता है। आप जो सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ से आए हैं आरजेडी का कैंडिडेट है, तो हम समझते हैं कि उन्हें 15 साल मौका मिला था, इमामगंज खून की नदी बहती थी और इस जंगल राज से मशहूर था। मांझी जी का के आने से आज यहाँ एमसीसी जैसे उग्रवादी लोग जो कहते थे, जिनसे थर्राता था, उसका मुख्य धारा में जुड़ के आज ठेला लगा के सब्जी बेच रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, मॉल खोलने हुए हैं और सब स्वावलंबी है, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये देन जीतनराम मांझी की और केंद्र सरकार की, नीतीश कुमार की है, इसीलिए इतनी बड़ी विकास हुआ। और जो एमसीसी शुरू से था, जब से देश आज़ाद हुआ तब से इमामगंज में गढ़ बनाए हुए था, उस सारे व्यक्ति आज मुख्य धारा में जुट गए। सोचिए तो और का विकास आप चाहते हैं? अब मानते हैं कि जो नक्सली थे पहले उसको कन्विंस करने में या मुख्य धारा में लाने में जीतनराम मांझी की अहम भूमिका रही है, बहुत अहम भूमिका। किसी से द्वेषता नहीं फैलाना, कुछ कोई बोल दिया तो अनसुनी करके उसको सही जवाब देना और तथा अच्छा मार्गदर्शन देना, नीचे सबसे नीचे वाले व्यक्ति को उठाना, मांझी जी का यही काम रहा है। सबसे अंतिम पंक्ति वाले बच्चे को उठाने का काम करते हैं, जो व्यक्ति कभी कुर्सी पर न बैठा होगा उसे बगल में बैठाते हैं। और हम लोग का सीना गर्व होता है कि आज एक गांधी जी देश आज़ाद किए, दूसरा गांधी जी बिहार का विकास किए और तीसरा हमारे क्षेत्र का जो गांधी हैं वो जीतनराम मांझी हैं। इसका जीता जाता उदाहरण है, लोग कहेंगे कि एमसीसी चली गई, सीआरपीएफ यहाँ से सारा कैंप उठा के चली गई, इसलिए हम लोग स्वावलंबी हैं, दिन रात बिजनेस करते हैं, दिन रात काम करते हैं, न डर न भय, निर्भीक होके आते जाते हैं हर जगह। और पूरा क्षेत्र का हर गांव में, हर 10-20 गांव के 2-3 पंचायत के बाद एगो यहाँ थाना बन गया है, इतनी सुरक्षा की मत कहिए, सारा सरकारी कार्य अच्छे से हो रही। बता रहे थे कि जीतनराम मांझी के आने के बाद हर गांव के बाहर एक थाना बना दिया गया है, ओपी बना दिया गया है, जिससे ग्रामीण बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और नक्सली जो थे वो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़े हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उनसे पूछिए, आप बताइए पहले क्या स्थिति था? उसके बारे में हमको नहीं पता, अपने उनसे बात कीजिए।
यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार थे और स्थानीय लोग थे जो बता रहे थे कि 15 सालों से हम लोग नक्सलियों का दंश झेल रहे थे, मगर जीतनराम मांझी के आने के बाद यहाँ पूर्ण तरह से शांति बहाल हुआ है और जो नक्सली पहले यहाँ पे घटनाओं को अंजाम देते थे वो मुख्यधारा में जुड़कर आज अपने बच्चों को परवरिश के कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, जिसे लेकर के ये लोग अब शांति से यहाँ के दुकानदार बिजनेस भी कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के उनकी महू को इस बार दीपा मांझी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि दीपा मांझी को भी एक बार मौका दिया जाए, उसी मांझी परिवार से हैं और मांझी की बहू हैं, इसे लेकर के उनको भी एक बार मौका दिया जाए। पंकज कुमार, बिहार तक गया।